rights and freedoms of all minority groups in Pakistan, ensuring that every citizen enjoys equal protection under the law. Kya kaun hai? चेयरमैन अकबर बढ़ती मिनोरिटीज राइट पाकिस्तान। तो मुझे लगा कि हमारे मुस्लिम ज्यादा मजलूम हैं और हम कम मजलूम हैं। मैं तो सोच रहा था कि अपने हकूक की बात करें हम, मुझे लगता है मुझे आपके हकूक की बात करनी पड़ेगी। बुझते हैं तो बुझ जाएं, कोई गम नहीं करते। बुझते हैं तो बुझ जाएं, कोई गम नहीं करते। हम अपने चिरागों की रोहे कम नहीं करते। इसके बाद बात आपने, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन खान साहब आपने एक बात की, मैं वहां से शुरू करता हूं। अभी हमें खुशखबरी सुनाई गई कि हमारे फर्द को फोर स्टार जनरल बना दिया गया। एक और खुशखबरी 15 दिन पहले सुनाई गई कि खातून को ब्रिगेडियर बना दिया गया। अब सारी कौम हम बेवकूफ बन के तालियां बजा रहे हैं। मेरे जैसा पागल बंदा सोच रहा था कि आप मुबारकबादें ले रहे हैं, आपको मुबारक मैं भी देता हूं, लेकिन मेरे पागल जेल में एक सवाल आता है कि 75 साल पहले हमारे क्या लोग दो डंगर थे, बेवकूफ थे, जिनको इन लोगों पर नहीं बिठाया गया था? क्या वजह थी? ये कौन सी पॉलिसी थी? तो फिर अगर आप पॉलिसी तोड़ते हैं या आपको हम जैसे पसमानदा कौम को आगे लाने का मौका है हुजूर, तो फिर आप हमें बताते हैं कि आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, तो कहां क्वालिटी ऑफ सिटीजन है जब आर्टिकल 40 कहता है कि मैं मुल्क का सदन नहीं बन सकता, जब आर्टिकल 91 कहता है मैं मुल्क का सदन नहीं बन सकता, जब आर्टिकल 203 डी कहता है कि बसियत वकील मैं वफाकी शरई अदालत में पेश नहीं हो सकता, तो कौन सी इक्वालिटी है? इक्वालिटी बस ये एक वाली आइन के प्रियम्बर में भी है और मानते जा रहे जना हमारा आइन है। हमें तो आर्टिकल 20 में प्रोफेस फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन साथ ही पहले लिखा हुआ, बल्कि सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ टॉलरेंस मोरलिटी। अब मुझे बताएं कि मैं कहां से इंटरप्रिटेशन लॉ एंड ऑर्डर की लू, कहां से इंटरप्रिटेशन मोरलिटी की लू, और मैं लॉ एंड ऑर्डर की सूर्या तो हमारे बड़े 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 लीडर बेचारे उनको पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूट पैदा हो जाती है और सेक्शन 144 लग जाता है और हमारे दोस्त कह रहे थे कि हमें तो मीटिंग भी नहीं करने दी जाती। अब जहां पे एक मीटिंग से अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए और सेक्शन 144 लगे, तो फिर कहां हम जैसे मजलूम लोग क्या? लेकिन हमने यह किया है कि हम आवाज उठाएंगे। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आर्टिकल 51(6)(c) तमाम हमारा एमएलए के लिए पूरा हल्का पाकिस्तान और 106 आर्टिकल पढ़े तो तमाम सूबाई असेंबली के मेंबरान के लिए पूरा सूबा हल्का। अब यहां पे हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दे दिया, हम ऐसी जमहूरियत को एंजॉय कर रहे हैं। अब फरज साहब चले गए पीपल्स पार्टी के एमएलए और रमेश लाल साहब 25 साल से वो एमएलए, उनको भी खुश आमदीद कहता हूं और उनका शुक्रिया गुजार करता हूं। आज का दिन कादिर तहरीक शबाजपति ने 2009 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 11 अगस्त 1947 को कायद आजम मोहम्मद अली जना की जो तकरीर थी उसके हवाले से जो कायद आजम ने फरमाया था कि आप इस मुल्क में आजाद हैं, आप अपने मस्जिदों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारों में जाए, रियासत का मजहब के साथ कोई सरोकार नहीं है, ये आपका अपना अकीदा है, आप इस मुल्क में आजाद हैं। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की उनकी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और कायदे तहरीक शबाजपति उनको आज खराज तहसीन भी पेश करता हूं कि जिन्होंने यहां पर मजहब के नाम पर बढ़ती हुई नफरत को, दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों को ललकारते हुए अपने इसी सरजमीन पर जब शहीद हुए और जान का लिखाना पेश किया। जिस जबर और जुल्म से तारीखी तौर पे
अवामी नेशनल पार्टी के अकाबरीन गुजरे हैं, मैं उस तारीख को नजर में रखते हुए आप सबके दुख और दर्द समझ जैसे पहले बात हुई दोहराने के लिए नहीं, लेकिन हकीकतन एक ऐसा मुल्क जो आजाद इस नजरिए पे हुआ हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में है और उस माइनॉरिटी को तहफ्फुज देने के लिए, उस माइनॉरिटी को जिंदगी का हक देने के लिए हमने या जिसने भी ये मुल्क बनाया, और बदकिस्मती से वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, उस मुल्क में वो सब कुछ हुआ जो ना खुदा मानता है और ना रसूल मानता है। वाजिबुल मुस्लिमीन के ये सेक्टरी हैं, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं अपनी इस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं करता हूं। एक मॉडर्न अपार्थाइड है पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, जिसका हदफ जो है वो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव और अवाम की हकीकी जो तर्जुमान है उनकी आवाज को रोकना है, उनकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक तदबीर इनकी है, एक तदबीर खुदा की है, और इंशाल्लाह अल्लाह की तदबीर गालिब आएगी। और अवामी रिप्रेजेंटेशन जब आएगा, अवाम की बिल जब स्टेट के डिसीजन मैकेनिज्म के जरिए से मुंतकिल होगी, तो इंशाल्लाह ताला किसी को ये जरूरत नहीं होगी कि हमारे अकलीती भाई, हमारे गैर मुस्लिम जो मकाद पे फिक्र हैं, उनके हकूक को वो पामाल करें, इंशाल्लाह ताला किसी की ये जरूरत नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये 11 अगस्त के हवाले से जो आज आपने ये प्रोग्राम और मौजू भी रखा है, ये हम सब के लिए एक जिसको अवेकनिंग कॉल कह सकते हैं वो है। और भट्टी साहब को और आप तमाम उनकी मैनेजमेंट जो पाकिस्तान माइनॉरिटी डे के हवाले से आज माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम रखा है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनको इजहार यकजहती भी करता हूँ। और मैं उनको यकीन भी दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके हुकूक के तहफ्फुज के लिए ताने दरमे सुखने हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप हमें कभी पीछे नहीं पाएंगे। अप्रिशिएट करता हूं अकमल भट्टी साहब को और उनके रुख्ताकार को कि एक बहुत ही ऐसे इशू पर जो एक माइनॉरिटीज का बुनियादी इशू है उसको सामने रखते हुए आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ने इस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया और जिन लोगों ने, मैं बड़बड़ा ये बात कह रहा हूं कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिन लोगों ने आईन की शिकों की मुकम्मल अमल दर्ज करवानी थी,